नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। केदारनाथ से बड़ी खबर आपको बता दें कि केदारनाथ में मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गुरु चडरनी के पास हुआ है और हेलीकॉप्टर ने गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी और खराब मौसम के चलते ही हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह मानी जा रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक और बयान सामने नहीं आया है। यह हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था और हेलीकॉप्टर ने गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। केदार घाटी की तरफ से जब यह हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा तब गुरुचट्टी के पास से ही ये क्रैश हो गया। आपको बता दें कि जमीन पर गिरने से ही साथ ही हेलीकॉप्टर आग की चपेट में आ गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि केदारनाथ से बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। गरुड़चट्टी में ये क्रैश हो गया है, जिसके चलते जमीन पर गिरने से हेलीकॉप्टर में आग की चपेट देखने को मिली है और हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे और 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से सुभाष गोड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, इतना बड़ा हादसा हो गया केदारनाथ में और बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते यह हादसा हुआ है, क्या अभी की अपडेट है? जी बिल्कुल, केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालु पहुंचे थे केदारनाथ धाम के दर्शन करने, उसमें से लगभग 6 श्रद्धालु हेलीकॉप्टर में सवार थे और एक पायलट इसमें सवार था, यानी कि जो 7 लोग थे उन सभी की मौके पर मौत हो गई। और मौसम खराब होने की मुख्य वजह बताई जा रही है कि मौसम खराब होने के चलते केदारनाथ धाम में इस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसको लेकर तमाम स्थानीय लोग, प्रशासन और पुलिस अब कोशिश कर रही है कि इस तरीके से खराब मौसम में किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने को कहा जाए। और जब मौसम अलर्ट रहता है या फिर मौसम केदार घाटी में खराब रहता है तो ऐसे समय में कोई भी हेलीकॉप्टर किसी भी यात्री को लेकर उड़ान ना भरे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो यात्री थे वो केदारनाथ की तरफ जा रहे थे और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाटा जो हेलीपैड है, इस हेलीपैड से यह हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भरता था और आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर था। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसमें 6 लोग सवार थे, खुद जो पायलट थे इस हेलीकॉप्टर के वो भी इस पर मौजूद थे और सभी लोगों की मौके पर मौत हो गई है। लेकिन सबसे दुखद घटना यह है कि केदारनाथ में पहली घटना नहीं, इससे पहले कई बार केदारनाथ में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है और उसकी वजह भी खराब मौसम रहता है। लेकिन ऐसे में जिला प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती कि खराब मौसम में किसी भी कंपनी का हेलीकॉप्टर को केदारनाथ उड़ान भरने से रोका जाए और खराब मौसम में कोई भी व्यक्ति या कोई भी यात्री केदारनाथ की तरफ अपना रुख ना करे। जी सुभाष, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रशासन की भी लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पर रही है, क्योंकि खराब मौसम के साथ साथ प्रशासन अगर परमिशन नहीं देता तो उड़ान नहीं भरते तो ये घटना नहीं होती। और वहीं गुप्त काशी से अगर केदारनाथ के लिए उड़ान जो भरी गई थी और ये जो सफर कर रहे थे यात्री थे, इनको ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा आगे जाके और कहीं ना कहीं खराब मौसम के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, किसी को भी इस तरीके की आशंका नहीं थी कि हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद वो हेलीकॉप्टर खराब मौसम के चलते क्रैश हो जाएगा और उस दुर्घटना में उन लोगों की मौत हो जाएगी। यदि इस तरीके की कोई भी जानकारी प्रशासन की तरफ से पहले दी जाती खराब मौसम को लेकर उड़ान ना भरने की, तो शायद जो पर्यटक केदारनाथ धाम की तरफ दर्शन करने जा रहे थे, तीर्थ यात्री, वो शायद उस चपेट में ना आते और ना ही हेलीकॉप्टर क्रैश होता। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी उन हेलीकॉप्टर कंपनियों की भी है जो कि खराब मौसम के चलते उड़ान भरते हैं और लगातार जब भी एडवाइजरी जारी करती है, चाहे सरकार करे या जिला प्रशासन करे, वो साफ तौर से कहती है कि खराब मौसम में कोई भी हेलीकॉप्टर ना तो केदारनाथ की तरफ उड़ान भरेगा और ना ही केदारनाथ से जो भी हेलीपैड है, चाहे गुप्त काशी का हो, फाटा का हो या फिर सोनप्रयाग के ऊपर का जो हेलीपैड हो, किसी भी हेलीपैड पर कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। लेकिन क्योंकि अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक खराब मौसम होने के चलते ये जो हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। लेकिन बड़ी चीज, स्थानीय लोगों ने सूचना वहां पर प्रशासन को दी है, प्रशासन तक सूचना कैसे पहुंची और वहां पर सुरक्षा के बाद में क्या इंतजाम किए गए?
जी बिल्कुल, जिस स्थान पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ये केदारनाथ का पैदल मार्ग है, और ये कहा जा सकता है कि इस मार्ग पर लगातार जो श्रद्धालु हैं या यात्री हैं वो लगातार पैदल मार्ग से भी चलते हैं, घोड़ा खच्चर भी चलते हैं और कई अन्य पालकियों के साथ भी लोग चलते हैं। तो हेलीकॉप्टर सभी लोगों को साफ तौर से नजर आता है और साफ तौर से दिखाई भी देता है उड़ते हुए, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने जैसे ही देखा कि हेलीकॉप्टर क्रैश होकर पहाड़ की तरफ गिरा और उसके बाद उसमें आग लगी है, तो लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी और स्थानीय, क्योंकि हर ऐसे मोड़ बनाए गए हैं, ऐसे पड़ाव बनाए गए जिन स्थानों पर SDRF की टीम रहती है और तमाम पुलिस बल भी मौजूद रहता है, तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस की तरफ से सबसे पहले प्रशासन को इसकी सूचना दी गई थी। जी जी, अभी किसी बड़े नेता का कोई बयान सामने आ पाया है या मुआवजे की कोई बात की गई है, ऐसी कोई भी बयान या टिप्पणी सामने आई है अभी तक? जी, अभी तक मुआवजे को लेकर राज्य सरकार ने कोई भी घोषणा नहीं की और कोई भी नेता नहीं, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे और जांच के बाद जो भी फैसले लिए जाने हैं वो सरकार की तरफ से और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर कोई भी अगला फैसला लेते हुए नजर आएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि केदारनाथ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर आयरन कंपनी का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने घटना की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।